हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बॉली स्टाइल और मैं हूँ पूजा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में प्रेस कीजिए, ताकि हेल्थ रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड जितने भी टिप्स हैं सब आपको सबसे जल्दी मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज मैं आपको और एक स्पेशल होम रेमेडी के बारे में बताऊंगी, जो हमारे बहुत यूजेस है हमारे डेली लाइफ में, और उसका स्पेशल जो एक बेनिफिट है वो है एंटी एजिंग। जो हमारे मीन्स आफ्टर 25-28 हम सब सोचते हैं कि नहीं, रिंकल्स आ रहे हैं, थोड़ा एजड लग रही हूँ, तो उसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ वो है क्या, जिससे हमारे स्किन में इतने मिरेकल्स होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, राइस, प्लेन राइस, कोई भी राइस लीजिए जो आपके घर पे है, उसको ऐसा थोड़ा सा आप हाफ एन आवर से ज़्यादा आप इसको पानी में रखिए, सोक होने दीजिए, और फिर उसके जो वाटर आते हैं, ये देखिए आप देख सकते हो, ये मैं मेरे स्किन पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। बट ये जो वाटर जो है, जो राइस सोकिंग जो वाटर है, ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, मिरेकल है, मिरेकल करते हैं हमारे स्किन में, रिंकल्स बिल्कुल भी गायब हो जाता है। एंटी एजिंग के लिए तो मैंने पहले ही बताया, डार्क स्पॉट्स जो रहते हैं, सन डैमेज स्किन, वो सब रिपेयर करते हैं, पिंपल्स हो, पिगमेंटेशन हो, एक्नी हो, सब प्रॉब्लम जितने भी है सब वैनिश हो जाता है। आप ये सोक वाटर जो है इसको लीजिए, और मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे स्किन पे अप्लाई करना है। आप फ्रेंड्स जाने होंगे, सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, जापानी गर्ल्स, कोरियन गर्ल्स, उनके जो स्पा है, उनके स्पा थेरेपी में राइस वाटर के बहुत ज़्यादा यूजेस है। इसको हम लोग दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं, हम लोग गैस में इसको हीट करके उसके पानी भी हम लोग ठंडे करके हम लोग स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा नॉर्मल सोकिंग वाटर जो है पानी से वो भी यूज़ कर सकते हैं। और हेयर के लिए दूसरा और एक टिप्स है, वो मैं आपको बताऊँगी। पहले आप थोड़ा सा पाउडर लीजिए और इसमें ऐसा कीजिए और स्मूथली एकदम जेंटली अप्लाई कीजिए। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी है, जिनको पिंपल्स से एक्ने है वो थोड़ा धीरे 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 वो जगह पे ऐसा अप्लाई कीजिए एंड इसको ऐसे छोड़ दीजिए आप, देखिए। फिर उसके बाद मैं 15 मिनट्स के बाद मैं वाइप करके आपको दिखाऊंगी उसके बाद स्किन में कैसा ग्लो आ रहा है, कैसा शाइन हो रहा है स्किन में, और जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम यूज़ करना पड़ेगा गाइस। लाइक आपको एटलीस्ट 15 डेज अभी यूज़ करेंगे तो आपको खुद को समझ आ जाएगा। और हेयर के लिए हम लोग इतना फ्रेश राइस सोकिंग वाटर यूज़ नहीं कर सकते, वो अच्छे रिजल्ट तभी मिलेगा हेयर में हम लोग अप्लाई करेंगे हेयर ग्रोथ के लिए, शाइन के लिए। वो फर्मेंटेड एटलीस्ट 2 डेज आप राइस को ऐसे पानी में सोक करके रखिए, और वो तभी जो फर्मेंटेड होके जो पानी जो आएगा वो पानी आप फ्रिज में स्टोर करके उस पर आप आपके हेयर पे अप्लाई कीजिए, और उसके बाद आप शैम्पू कीजिए, देखिए आपके हेयर कितना स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, हेल्दी, शाइनी हो जाएगा। और फिर अभी मैं आपको ये वाइप करके क्लीन करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर 50 मिनट्स कितना निखरा हुआ लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, देखिए स्किन आपके कितने स्मूथ फील हो रहे एकदम से, देखिए। आप खुद अप्लाई कीजिए तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा, आप फील कर पाएंगे कि कितना चेंजेस आ गया आपके स्किन पे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।